अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज ही हमारा डे 72 और है शे 41 सफ़ा नंबर 10 पढ़ाई लिखाई मुताज़ाद अल्फाज। अब आपको सफ़ा नंबर 10 याद करना है, ठीक है, और हम काम भी करेंगे। किसी लफ्ज़ का उलट ज़ेद अल्फाज मुताज़ाद कहलाता है, मसलन अच्छा, बुरा, साफ, गंदा वगैरह। ये है आपका काम जो है वो सफ़ा नंबर 10 पर है। अल्फाज मुतादाद, सर्द, गरम, हाजिर, गायब, दूर, करीब, तेज, आहिस्ता, अंधेरा, उजाला, खिजां, बहार, खुशकी, तरी, सस्ता, महंगा, फ़ायदा, नुकसान, मेहमान, मेज़बान। इसी तरह है अक्लमंद, बेवकूफ़, हल्का, भारी, जिंदगी, मौत, हार, जीत, नरमी, सख्ती, मोहब्बत, नफ़रत, मुश्किल, आसान, नेकी, बदी, इंसान, हैवान, हलाल, हराम। अब है अलिफ़ है उर्दुरुस मुताज़ात को चुनकर इसके गिर्द दायरे का निशान बनाएं। अल्फाज है मुताज़ात जिंदा, अल्फाज में है जिंदा, तो अब देखें क्या आएगा, बंद, मुब्तला या मुर्दा, तो यहाँ पर आएगा मुर्दा। इसी तरह है ताकतवर, जोरावर, कमज़ोर या हल्का, तो ताकतवर तो होगा तो फिर इनका कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर हल्का, उड़ना या नीचे, ऊपर है तो इसका आएगा नीचे। नरमी, गर्मी, सख्ती, नौकरी, नरमी है तो क्या हो जाएगा सख्ती। इसी तरह समझदार, सोचना, जहीन और ना समझ, तो समझदार का क्या आ जाएगा ना समझ। अब ये अल्फाज मुतादाद का ये सफ़ा नंबर 10 है, ये काम मैंने आपको करवा दिया है, ये काम आपको खुद करना है। लाइक, अकलमंद, नालायक, फाइक, खुश मिजाज, कम मिजाज, बद मिजाज, नरम मिजाज, ख्वाब, असल, हकीकत, दिन, सख्ती, नकली, कंजूस, भारी, वफादार, बेवफा, शिफा और सच्चा। जो इसमें सही हैं तो आपको उसके गिर्द दायरा बनाना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज है हमारा हैश 70, डे है 73 और हैश है हमारा 42, जिसमें सफ़ा नंबर 11 की लिखाई मुताज़ाद अल्फाज और इसमें ज़मीर सफ़ा नंबर 28। आपके पास है खाली जगह को कौसीन में दिए गए अल्फाज के मुताज़िद अल्फाज से पुर कीजिए, यानी कि देखें ये अल्फाज हैं आपके पास, करीब, गैर हाजिर, हार, अब ये अल्फाज हैं। अब आपको मुताज़ाद अल्फाज लिखने हैं। मेरा घर स्कूल से बहुत डेश है, तो यहाँ करीब लिखा हुआ है तो आपके पास क्या आ जाएगा दूर। इसके बाद है चौकीदार ड्यूटी पर डेश ना हो सका, गैर हाजिर, तो इनका आ जाएगा यहाँ पर हाजिर। आज का मुकाबला लड़कियों ने डेश लिया, हार, तो हार का आएगा जीत। अब है मौसम बहुत डेश हो रहा है, गर्म, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सर। बाकी की आपको खुद से करने हैं। इसके बाद है आपके पास अल्फाज को दुरुस मुताज़ात से मिलाइए, मोहब्बत, नफ़रत, मुस्बत, मुनफी, मेहमान, मेज़बान, इब्तदा, इंतहा। अब बाकी का काम आपने खुद करना है सफ़ा नंबर 11 पर। अब है आपके पास इसमें ज़मीर जो है सफ़ा नंबर 27 पर है। इसमें ज़मीर देखिए, इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, तुम, हम, मुझे, आप, मैं, तुम, इस, हमारे, तुम्हारे, वो, ये सब इसमें ज़मीर कहलाता है। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इसमें ज़मीर कहलाते हैं, हम, मुझे, आप, मैं, तुम, इस, हमारे, तुम्हारे, वो। अब इसमें ज़मीर में है दुरुस्त, इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए के पास है अब है आपका पास अलीफ, इसमें आपको इस दुरुस्त इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। अहमद रोज़ सुबह उठकर डेश हाथ मुंह धोता है, तो इसमें आएगा अपने। इसमें है आज देश सब बहुत दोस्त बहुत खुश हैं, आएगा मेरे। अली ने असद से कहा, डेश अम्मी मज़ेदार खाना पकाती हैं, तुम्हारी अम्मी मज़ेदार खाना बनाती हैं, डेश आज शाम को मेरे घर आना, आप, इन या तुम,
तुम आज शाम को मेरे घर आना। अहमद ने बताया कि डेश बुखार है। अहमद ने बताया कि उसे बुखार है। बाकी केस नंबर 6, 7 and 8 ये आपको खुद करने हैं। इबारत से इसमें ज़मीर अलग करके लिखिए। आज सुबह मैं देखें मैं पर दायरा लगाना है। मैं सो कर उठा तो अपने पर दायरा लगाना है। घर में खूब चहल पहल देखी अबू ने मुझे पे भी आप लगाएंगे क्योंकि इसमें ज़मीर है। बताया कि आज हमारे भी इसमें ज़मीर है। घर मेहमान आ रहे हैं वो इसमें ज़मीर है। समझाने लगे कि हमें भी इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर है। अदब से पेश आना है और इन सब का ख्याल रखना है क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अम्मी ने कहा तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, तुम नहा कर कपड़े तब्दील कर लो। मैंने इन्हें भी अभी तैयार होकर आता हूँ। मैंने इन्हें कहा मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। मैं इसमें ज़मीर है। अबू ने कहा जल्दी करो हम इन्हें लेने एयरपोर्ट जाएंगे। ये सब इसमें ज़मीर हैं। जितने भी मैंने दायरा इसमें ज़मीर पर जितने भी हमने दायरे लगाए हैं आपको यहाँ पर सब में लिखना है।